हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम। प्यारे दोस्तों, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी को अलग करने का ऑप्शन आ चुका है आपके लिए। बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार ने दे दी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और फैमिली आईडी को अलग करने का जो ऑप्शन आया है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। और दोस्तों, इसके साथ साथ मेंबर डिलीट करने का भी ऑप्शन जारी कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको दोनों ऑप्शनों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आपकी बहुत ज्यादा दिन से लगातार कमेंट आती रहती हैं कि हमारी फैमिली आईडी हमें अलग करनी है, माता पिता से अलग करनी है, हमारी शादी हो गई है, या फिर दोस्तों आपने इकट्ठी फैमिली आईडी बनवा ली उससे आप अलग करवाना चाहते हैं। अब दोस्तों, वह जो ऑप्शन है वो पोर्टल पर ऐड कर दिया गया है। अब आप अपनी फैमिली आईडी को अलग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा ऑप्शन जारी हुआ है और मेंबर डिलीट आप कैसे कर सकते हैं अगर आपको अपनी फैमिली आईडी से किसी सदस्य को डिलीट करना है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर आकर अपनी ऑपरेटर आईडी को लॉगिन करना होगा। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जो फैमिली आईडी अलग करने का तरीका आया है, ऑप्शन आया है, वो फिलहाल ऑपरेटर आईडी पर ही आया है। यानी खुद आप घर बैठे अपनी फैमिली आईडी को अलग नहीं कर सकते। इसके आपको अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा। सीएससी सेंटर पर ऑप्शन आ चुका है जिसके पास भी फैमिली आईडी की ऑपरेटर आईडी है। ऑपरेटर अपनी आईडी को लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद यहां पर एक ऑप्शन होगा सिटीजन लॉगिन। दोस्तों, ये ऑपरेटर आईडी के अंदर सिटीजन लॉगिन ऑप्शन है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहां पर एक ऑप्शन जोड़ दिया गया है, स्प्लिट फैमिली। यानी इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी फैमिली आईडी को स्प्लिट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहां से आपको एक रीजन को सिलेक्ट करके अपनी फैमिली आईडी को अलग कर लेना है। चलिए रीजन भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, रीजन यहां पर आप देख सकते हैं, सेपरेटेड, स्प्लिट फैमिली, क्रिएट न्यू फैमिली आफ्टर मैरिज। यानी कि आप अलग फैमिली आईडी बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली आईडी को अलग करना चाहते हैं, नई फैमिली आईडी बनाना चाहते हैं, या फिर शादी के बाद अपनी फैमिली आईडी को अलग करना चाहते हैं। यानी आपकी शादी हो गई है, इसके बाद अब आप अपनी फैमिली आईडी को अलग करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों, अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से एक ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी फैमिली आईडी को अलग करवा सकते हैं। दोस्तों, इससे संबंधित एक प्रॉपर वीडियो, कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द डाल दूंगा। इस वीडियो में केवल आपको यही बताना था कि जिसके पास भी परिवार पहचान पत्र की ऑपरेटर आईडी है उसकी ऑपरेटर आईडी के अंदर फैमिली आईडी अलग करने का ऑप्शन है आ चुका है। आप अपनी फैमिली आईडी को अलग करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मेंबर डिलीट करने का जो ऑप्शन है वो भी फैमिली आईडी की वेबसाइट पर आ चुका है। जब आप खुद अपनी आईडी को भी लॉगिन करेंगे, यानी सिटीजन लॉगिन ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर दोस्तों, जब आप करेक्शन मॉड्यूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी फैमिली आईडी से किसी एक मेंबर को सिलेक्ट करके यहां पर जब फील्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर डिलीट अनवांटेड मेंबर का ऑप्शन आ जाएगा। इसके माध्यम से आप अपनी फैमिली आईडी से किसी ऐसे सदस्य को डिलीट कर सकते हैं जो आपकी फैमिली आईडी का सदस्य नहीं है। दोस्तों, यह ऑप्शन पहले भी जोड़ा गया था, लेकिन दोस्तों यह ऑप्शन अच्छे प्रकार से काम नहीं कर रहा था, इसलिए डिपार्टमेंट ने इसे डिलीट करके दोबारा से जोड़ा है। दोस्तों, यह जो ऑप्शन है यह दोनों जगह है। अगर आप खुद घर बैठे करना चाहते हैं तो सिटीजन लॉगिन ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं, तरीका मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों, अगर आप ऑपरेटर के पास जाकर करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी ऑप्शन है, उसके माध्यम से भी करवा सकते हैं। दोस्तों, फैमिली आईडी अलग करने का जो ऑप्शन है वो केवल सीएससी सेंटर पर ही है। यानी जिसके पास भी परिवार पहचान पत्र की ऑपरेटर आईडी है केवल वही आपकी फैमिली आईडी को अलग कर सकता है। दोस्तों, इस बार जब ऑप्शन जुड़ा है, दोस्तों आपको पता होगा यह ऑप्शन पहले भी आया था। यानी जो स्प्लिट वाला ऑप्शन है, फैमिली आईडी अलग करने का ऑप्शन है, वो पहले भी आया था, लेकिन उस समय यह जो ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा था, अच्छे से नहीं चल रहा था। लेकिन दोस्तों, अब जब डिपार्टमेंट ने जोड़ा है तो दोस्तों यह ऑप्शन अब अच्छे प्रकार से काम कर रहा है। आप अपनी फैमिली आईडी को अलग करवाने की रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आपके पास अलग मीटर होना चाहिए। यानी जिसकी फैमिली आईडी आप अब अलग कर रहे हैं उसके नाम से एक अलग मीटर होना चाहिए, उसमें से किसी भी सदस्य के नाम से जिसे आप अलग कर रहे हैं, तभी आप अपनी फैमिली आईडी को अलग कर पाए
पाएंगे। और दोस्तों जैसे ही आप अलग करेंगे वहां पर आपकी रिक्वेस्ट लग जाएगी, डिपार्टमेंट के पास जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी और आपकी फैमिली आईडी को अलग कर दिया जाएगा। इसकी एक जो प्रॉपर वीडियो है वो जल्द से जल्द मैं डाल दूंगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे देखकर आप अपनी फैमिली आईडी को अलग करवा सकते हैं या फिर एक आप ऑपरेटर हैं तो किसी की भी फैमिली आईडी को अलग कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।